Hi friends, welcome to the game which you enjoy the most, the game of alcohols. Today the player of the game is Rockford Classic. आप सोच रहे होंगे इतने सालों बाद रॉकफोर्ड क्लासिक की क्यों ध्यान आ गया, याद आ गई, क्या अब इसका रिव्यू करोगे? नहीं, ये एक नॉर्मल रिव्यू नहीं है, ये है एक महादंगल, और महादंगल का जो दूसरा लेजेंड है वो है टुडे द प्लेयर ऑफ द गेम इज एंटीक्विटी ब्लू। अब एक खास बात देखने वाली ये है कि 90s में जहाँ अल्ट्रा प्रीमियम विस्की की बात होती है, जो आज के बजट से समझाना चाहो तो राउंड अबाउट 900 के आसपास, उस टाइम दो विस्कीज का बड़ा तगड़ा राज था। वो दो विस्कीज थी हमारी सिग्नेचर और एंटीक्विटी ब्लू। बाद में उस सीन में आई हमारी रॉकफोर्ड और बीपी जैसे कई प्लेयर्स, लेकिन रॉकफोर्ड ने आकर एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। बट एट द सेम टाइम अब जहां बहुत सारे जो पुराने प्लेयर्स थे अपना रिवाइवल कर रहे हैं, नई पैकेजिंग में आ रहे हैं, नई ब्लेंड्स ला रहे हैं, जैसे सिग्नेचर ने किया है, अब एंटीक्विटी ने भी किया है, और ब्लेंडर को भी जरूरत है रिवाइवल की। आई थिंक इससे पहले की बहुत देर हो जाए, एक बड़ा तगड़ा फैन बेस है रॉकफोर्ड का, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ब्लेंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लेंड इज गुड, अगर आप उसमें कुछ इंप्रूव कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज पैकेजिंग या ब्लेंड, दोनों में से एक चीज आपको भी इंप्रूव करने की जरूरत है, सो दैट लोगों का अट्रैक्शन और एक बस दोबारा क्रिएट हो सके इस ब्रांड का भी। रॉकफोर्ड आती है मोदी इल्वा ग्रुप से और एंटीक्विटी आती है यूनाइटेड स्पिरिट से, जिसे ओन करता है डियाजियो। अब डियाजियो के लिए आई थिंक हैट्स ऑफ, उनके लिए राउंड ऑफ अप्लॉज बनता है। रीजन बीइंग, एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी करी कि जो भी लेजेंडरी अल्ट्रा प्रीमियम विस्की के ब्रांड्स थे जो स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे मैं सिग्नेचर की बात करूँ तो सिग्नेचर को भी उन्होंने जब नया ब्लेंड दिया, नई पैकेजिंग दी, अच्छा रिवाइवल हुआ, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। उसका हम रिव्यू कर चुके हैं, यहाँ थंबनेल भी आ रहा होगा उसका, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, पर इस वीडियो के बाद देखिएगा। और अब उन्होंने एक और ब्रांड का रिवाइवल किया है, ऑब्वियसली इसको भी एक साल हो चुका है मार्केट में, एंटीक्विटी ब्लू। पुरानी एंटीक्विटी ब्लू से लोगों की थोड़ी सी शिकायतें थी हैंगओवर की या सर घूमना की, वो भी चेक करना होगा। एक चीज़ आप देख रहे होंगे इस बार कि ये ऑलरेडी थोड़ी सी यूज है, तो इसके हैंगओवर को हम इसी वीडियो में कवर कर देंगे जब हम टेस्टिंग करेंगे। बिल्कुल, और रॉकफोर्ड तो सबने भी हुई है, इसके साथ भी कोई हैंगओवर नहीं है। और इसके बाद हम चलेंगे इनके बॉटल ओवरव्यू पे, जो आपका बॉक्स है वो दोनों में अवेलेबल अब नहीं है। रॉकफोर्ड में अभी भी आता है, पहले ग्लास भी आता था, बट एज ऑफ नाउ मार्केट में नहीं मिला। नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है। और इसका हाफ ही हमें मिला, फुल नहीं मिला, जान के नहीं लाए। अगर हम ओवरव्यू में चलेंगे तो हम इसके प्राइसिंग की बात करेंगे, तो सीधा चलते हैं अभी बॉटल ओवरव्यू। अब बात करते हैं पहले डिज़ाइन की और बॉटल के जो कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट्स और लेबल्स हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत आप अपने कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा। पहले फादर साहब से पूछते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा? नीचे आपका कमेंट सेक्शन उंगलियों में चलता रहना चाहिए, आपको ज़्यादा अच्छी कौन सी लग रही है? मेरे को तो बॉटल शेप में एंटीक्विटी ब्लू सुपर हिट लग रही है। ठीक है, मैं अगर बात करूं इसमें, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, डेफिनेटली लुक्स वाइज मुझे भी वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये मुझे पहले बहुत अच्छी लगती थी, अब आई थिंक जो मैंने बात करी रिवाइवल की, कि एटलीस्ट पैकेजिंग चेंज कर दो। हाँ, ये थोड़ी थोड़ी मुझे हॉस्पिटल के अंदर वो जो एंटीसेप्टिक्स पड़े होते हैं उनकी भी याद दिला रही है। हमने जो बहुत साल पहले वीडियो की थी उसमें सलमान खान से कंपेयर किया था कि अपर स्ट्रक्चर बॉर्ड है और लीन है बॉटल, शोल्डर निकले हुए हैं, लगता है सलमान भाई से इंस्पायर्ड है। तो ये हमारे सल्लू भाई लगते हैं हमें, मैं आ जाऊं क्या अपनी पर अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट के। अच्छा, पर पुरानी एंटीक्विटी ब्लू की बॉटल ज्यादा अच्छी लगती थी, उसका एक्चुअली बॉटल ये भी अच्छी है, शेप यही थी, सब कुछ यही नहीं, शेप अलग थी, यहाँ पे ऊपर लेबल यहाँ आता था, वो वाला लेबल मुझे बहुत अच्छा लगता था, बॉटल ये अच्छी लेबलिंग इसकी उससे बेटर नहीं है। हाँ, लेबलिंग उससे बेटर नहीं है, बट डिटेल्स में चेक द लेबल में दोनों बहुत अच्छे से अपने मार्क्स लाती है, कोई कमी नहीं है, सारी डिटेल्स मेंशन है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे एम्बॉसिंग भी करी हुई है इन्होंने एंटीक्विटी ब्लू पे, जो बहुत अच्छी लग रही है, और रॉकफोर्ड वालों ने भी कर रखी है, अपना ईयर लिखा हुआ है इसके अंदर। ये हमने अपने इंस्टाग्राम और आई थिंक कम्युनिटी पे भी डाला था, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि उन्हें पहचान में आई कि वो बॉटल रॉकफोर्ड की थी या नहीं। अब बात करें अगर एबीवी की, एबीवी दोनों में सेम है, 42.8%। दिस इज़ अ 750 ml बॉटल, दिस इज़ अ 375 ml बॉटल, और ये हाफ है बेसिकली, ये फुल है। प्राइस की बात करें, मैं फुल का भी प्राइस आपको बता देता हूँ। दिल्ली में इसका जो प्राइस है दैट इज़ 880 rupees, इसका जो प्राइस है दैट इज़ 830 rupees, तो 50 rupees
₹50 का फर्क है जो कि नेग्लिजिबल है डेफिनेटली, बिल्कुल। लेकिन अगर रॉकफोर्ड रिजर्व की तरफ जाएंगे जो कि मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है, पता नहीं क्यों, शायद उसी को वो चेंज कर दें, बट वो बहुत कम अवेलेबल है, तो आई थिंक वहाँ पे ये डिफरेंस कम हो जाएगा। तो मुझे लगा ये ज़्यादा सेंसिबल चॉइस है क्योंकि ज़्यादातर लोग रॉकफोर्ड में यही लेते हैं और एंटीक्विटी के भी अपने दीवाने यही लेंगे। तो अब चलते हैं सीधा पोरिंग पर। पोरिंग के लिए अच्छा महादंगल है तो एक एक प्लेयर तो चुनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी अपना चुन लीजिए, हम अपना चुन लेते हैं। आप बताइए आपने कौन सा प्लेयर लेना है आज, मेरा दिल बहुत बड़ा है। कोई सा भी दे दो, मेरे लिए सब ओके है। सॉरी यार, क्या हो गया? वो टैग बीच में ही गिर गया यार। टैग? हाँ, वो प्लास्टिक जो सील लॉक है। अच्छा, उसमें स्टॉपर आता है, ये हाफ है तो इसमें स्टॉपर नहीं है। फुल का याद नहीं है, बहुत टाइम बाद रॉकफोर्ड जो है हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, इसके अंदर स्टॉपर नहीं है। आर्टिफिशियल कलर तो ऑब्वियसली यार 2,500 तक के, 4,000 के सेगमेंट तक होता ही है। नहीं, उसमें मोलेसिस नहीं है रॉकफोर्ड में। इसमें भी मोलेसिस नहीं है? नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर है। हाँ, ये एक डिफरेंस है दोनों में। दोनों में ये डिफरेंस है। अब पहले चलते हैं हम नोजिंग पर। रॉकफोर्ड की महादंगल में आपका प्लेयर कौन सा, पहले बता दो। आप भी कमेंट करके, चीटिंग नहीं, आप भी एक अभी चूज करो। मैं एंटीक्विटी लूंगा। आप एंटीक्विटी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुश हूँ, मुझे जो चाहिए थी वो मुझे वही मिली। तो सबसे पहले हम नोजिंग पर चलेंगे रॉकफोर्ड की और देखते हैं क्या खास है उसमें। इसके अंदर वुडिनेस काफी एविडेंट है। ड्राई फ्रूट्स, रेजिन्स, प्लम केक टाइप की फीलिंग इसमें आ रही है। अगर मैं नोज के एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे ऐसा, और हल्का सा ऐसा लगता है जैसे बहुत हल्का सा मुझे क्लोव फील हो रहा है। क्लोव, क्लोव लॉन्ग जैसा हल्की सी फीलिंग आ रही है। तो ये मेरे को इसके जो नोट्स मिले हैं। अब मैं अपनी स्किन को स्मेल कर लेता हूँ और उसके बाद चलते हैं नए और रिवाइज नए अवतार वाले एंटीक्विटी ब्लू 2.0 पे। यार एक सेकंड, मैं एक चीज और चेक कर लेता हूँ, कुछ डिफरेंस आ रहा है इसमें? पीटीनेस है, ठीक है। नोज पे थोड़ी ज्यादा मेलोड है, ठीक है, एज कंपेयर्ड टू दिस। इसमें फ्रूटीनेस फील हो रही है जो उसमें इतनी फील नहीं हो रही थी, उसमें ड्राई फ्रूट ज्यादा थे, इसमें फ्रूटीनेस फील हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि शायद मे बी नोज पे थोड़ी ज्यादा मतलब मेलोड, तो मैं कहूँगा ठीक है 1921 का फर्क है। और जो ग्रेन विस्की, जो अपना ग्रेन विस्कीज का एक यंग विस्कीज की जो एक शार्प एसेंस होती है ना, वो भी मुझे ऐसा लगता है फील हो रही है, फील हो रही है दोनों में। इसमें हल्की सी ज्यादा लग रही है, हल्की सी ज्यादा नोज पे ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू रॉकफोर्ड। अब सीधा चलते हैं फादर साहब के पास कलर और टेस्टिंग के लिए। पहले कलर ही दोनों के, पहले मैं कलर बता देता हूँ ना। ये तो रॉकफोर्ड का तो एम्बर कलर है सर, एम्बर कलर है बिल्कुल। और एंटीक्विटी का है लाइट गोल्ड। हाँ, ये अगर कंपैरिजन करो तो वो थोड़ा डार्क कलर है, वो डार्क, ये रॉकफोर्ड डार्क है। हाँ, एंटीक्विटी थोड़ी लाइट है। अब क्योंकि आपका प्लेयर एंटीक्विटी ब्लू है, मेरा सदाबहार, पहले वो भी दोनों ही सदाबहार है, दोनों ही अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मैं टेस्टिंग पहले आपके प्लेयर की रॉकफोर्ड की करूँगा, ठीक है। और दोनों जो हैं आई थिंक थिन लेग्स बना रही हैं। हाँ, दोनों की लेग्स भी थिन है। तो अब ज़रा देखते हैं पहले कि रॉकफोर्ड का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। यहाँ रख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कैसा एक्सपीरियंस लगा? एक बार ये एक सिप और दो यार। लो लो, बिल्कुल लो। पहला सिप ये फ्री में लिया गया है, कोई नोट्स नहीं बताए गए हैं। चलो रखी लो। अभी ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर आ रहा है मेरे को, ठीक है, और हल्की सी बिल्कुल माइनर स्पाइसीनेस फील हो रही है, ठीक है, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट एन एक्सपर्ट और हर कोई इस पॉइंट से पीता भी नहीं है, तो कॉमन क्वेश्चंस भी हम पूछेंगे। हाँ, यहाँ रख लेते हैं। डार्क चॉकलेट का फ्लेवर आ रहा है, डार्क चॉकलेट का फ्लेवर आ रहा है, ठीक है। तो इसके एक्सपीरियंस के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले हम जो दूसरा महादंगल का हमारा खिलाड़ी है, दूसरा प्लेयर है, वो भी एक बार टेस्ट कर लिया जाए। एक बार पानी ले लूँ मैं? हाँ, आप थोड़ा पानी ले लीजिए। अच्छा, आप भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और हमें भी ऐसे नए नए आइडियाज़ दें
सारे देखो महादंगल या सारे प्रोडक्ट्स तो एक वीडियो में नहीं कवर हो सकते, सिंगल सिंगल भी करनी पड़ती है, बट ये एक्चुअली रॉकफोर्ड हम कर चुके थे और एंटीक्विटी ब्लू इंडिविजुअल करने का मेरा मन नहीं था, इस वजह से ये डबल हुआ है। और आपको याद होगा पिछली वीडियो जो हमने डाली थी उसमें वो जो ए बी था वो हमारा एंटीक्विटी ब्लू था, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कड़ी से कड़ी जुड़ती रहे आपके लिए। इसमें फ्रूटीनेस फील हो रही है, ठीक है, और थोड़ी स्वीट साइड पे है, फ्रूटीनेस और स्वीट साइड पे, ठीक है। बिल्कुल प्रोफाइल थोड़ी थोड़ी अलग होती दिख रही है, अगर इसमें स्पाइसीनेस नहीं आती तो इसका मतलब दोनों काफ़ी अलग हो जाएंगी। इसमें हनी का फ्लेवर आ रहा है स्वीटनेस साइड में, कोई स्पाइसीनेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, आपको एक बार और पानी पीना है, पानी पी लीजिए। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा तो आप पानी पी के जो जेन्युइन ओपिनियन आए वो बताइए। अब लेमन टर्म्स में पूछते हैं, दोनों में से अगर आपको दोबारा सिप लेना हो ले लेना, नहीं इसी का लूंगा मैं दोबारा, रॉकफोर्ड ठीक का। है ले लो आप। मेरा पहला क्वेश्चन ये होने वाला है, और कमेंट में आप भी अपनी चॉइस बताइए, पैलेट डिफरेंट होता है मैं समझ सकता हूँ, एक्सपीरियंस और चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। आपको दोनों में से ज़्यादा स्मूथ कौन सी लगी या दोनों इक्वली स्मूथ है? दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। जिसको स्वीट स्वीट साइड पसंद है तो एंटीक्विटी, ठीक है, जिसको हल्की सी स्पाइसीनेस माइनर है, बहुत ज़्यादा स्पाइसीनेस नहीं है, हल्की सी है, तो रॉकफोर्ड। ठीक है। दोनों में कोई अल्कोहल बर्न या कोई नहीं है हार्शनेस फील हुई? दोनों में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में ऐसा कुछ नहीं है। और जनरली ये जो दोनों विस्किस जिस सेगमेंट में आती है नीट नहीं पी जाती? नहीं। आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल मतलब कैसा रहा, अगर एक लाइन में डिफाइन करना चाहें? मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो ये मेरे को रॉकफोर्ड जो है ना कॉम्प्लेक्स लगी, ठीक है, इसमें फ्लेवर्स काफ़ी फील अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और इसका ब्लेंड चेंज हुआ है, ये भी मतलब मैं खराब नहीं कह रहा, ये भी अच्छी है, पहले वाली भी पी है, पहले वाली से ये काफी अच्छी है, मतलब पहले से बहुत पहला ब्लेंड था जो उससे ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। पुरानी वाली में खैर हाँ हैंगओवर की भी प्रॉब्लम आती थी, और ये आपने यूज की हुई है तो ये मैंने पहले एक बारी यूज कर चुका हूँ, तो आप अपने एक्सपीरियंस भी बता दो कि इसमें हैंगओवर होता है या नहीं होता भाई। है? पहले कोई भी मतलब ऐसी बात, पहले तो हैंगओवर की थी इसमें प्रॉब्लम, पुरानी अब इसमें मैंने यूज किया है, प्रॉपर 3 पैक लिए थे तो मेरे को बिल्कुल भी कोई हैंगओवर नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं। ब्लेंड चेंज करने से मजा आया, मजा आया, विस्की हाँ, अच्छी है। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें अब रेटिंग की, तो आप इसे क्या रेटिंग देना चाहेंगे? मैं इसको रॉकफोर्ड को दूंगा 8.7। 8.7 इज अ वेरी गुड रेटिंग, 8.5 से ऊपर हमारे चैनल पे जो भी जाती है विस्कीज उस प्राइस सेगमेंट में अच्छी होती है, और मैं इसको दूंगा 8.5, मतलब ये भी अच्छी विस्की, बिल्कुल यानी दोनों अच्छी हैं। आई हाँ, थिंक कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से थोड़ी सी ये आगे आगे निकल गई, और दूसरी बात टेस्ट दोनों ही अच्छे हैं, दोनों यूज कर सकते हो आप, ठीक है। जिसने नहीं अब नया ब्लेंड ये वाला नहीं ट्राई किया तो जरूर वो भी जरूर करे, बहुत जरूरी है। फाइनली जैसे ये तो मैंने आज वो कहते ना टॉस हार के भी मैच जीत लिया, जैसे हार्दिक पांड्या सोमनाथ जी के दर्शन करने गया है तो जाके एक मैच जीता है, तो आज मुझे लगता है उसके जो दर्शन करने का फल है शायद मुझे भी मिला है कि फाइनली कई लंबे समय के बाद 8.7.2% के डिफरेंस के साथ आज फाइनली मैंने एक जीत दर्ज कर दी है। वो जो रेसलमेनिया में अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटी थी ना 21-1 ब्रॉक लेसनर ने तोड़ी थी, ठीक उसी तरह आज के विनर मैं रॉकफोर्ड को 21 देना चाहूंगा। इस बात पे स्पेशल इसने ही मुझे जिताया है, सल्लू मियां जिंदाबाद, इसने हमें जिताया है तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसी देखे कि 1000 से नीचे जो हमने एक लिस्ट बनाई थी टॉप 10 विस्कीज अंडर 1000 रुपीज, वो लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, और उसमें एंटीक्विटी ब्लू नहीं थी क्योंकि हमने रिव्यू नहीं किया था, नहीं किया था, बट ये भी उसमें जगह बना सकती है। अब वो अगले साल जब हम लिस्ट लाएंगे रिवाइज करेंगे उस लिस्ट को तब देखते हैं उसमें कुछ नए प्लेयर आएंगे आएंगे ही आएंगे, तो वो भी देखने वाली चीज है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले हफ्ते हम एक महादंगल तो नहीं कह सकते ना, वो महादंगल नहीं, महादंगल है। नहीं है, दो बहुत ही अलग चीजें हैं, बट हम फिर भी उन्हें साथ रिव्यू करना चाहेंगे क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी, बिल्कुल कैटेगरी किसकी आप सोचते रहिए, गर्मियां हैं तो किसकी कैटेगरी होगी तो आप आइडिया लगा ही लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, रिमेंबर ड्रिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द ग्लास बट द क्लास, पीना भी एक कला है। टिल देन चीयर्स।